वैसा गाइस आई होप यू आर वेल। ये वीर वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पाई के थान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो सैल्यूट उन लोगों को जो फिर से मॉर्निंग में उठना स्टार्ट कर चुके हैं और बोल रहे हैं कि सर अब फिर से हिम्मत आ रही है। तो देखिए, हिम्मत एक ऐसी चीज है जो आप लोगों के अंदर से ही आएगी, आप लोगों को प्रेरित करेगी और आप लोग खुद उस चीज को स्टार्ट करेंगे। तो अब अच्छा मौसम हो गया है, आप लोग मॉर्निंग में उठ सकते हैं। अच्छा मौसम की अच्छी खासी गर्मी होने लगी है, तो अब तो आप लोग जल्दी मॉर्निंग में उठकर जल्दी जल्दी अपना लेक्चर निपटा लीजिए, ताकि फिर दिन में अपना जो भी आप लोगों को पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है, उसको ढंग से कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करें एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर आजकल जो है टाइम टेबल बनाता हूँ पर लेकिन फॉलो नहीं हो पाता है, तो क्या किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली गई है, वी वर बोर्न टू बी रियल, यानी कि हम पैदा हुए रियल रहने के लिए, ना कि परफेक्ट रहने के लिए। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि आप लोगों में चाबी भरती और डेली आप लोग उसी काम को उसी तरीके से उसी एनर्जी से फॉलो करोगे। नहीं, ऐसा कभी होने वाला है ही नहीं है। आप लोगों को लगेगा कि यार सही डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं, नहीं, आप लोगों का कभी टाइम टेबल फॉलो होगा कभी नहीं होगा। कभी आप लोग प्रॉपर वे में अपनी स्लीप ले पाएंगे कभी ढंग से नहीं ले पाएंगे, कभी आप लोग प्रॉपर वे में अपना जो पानी आप लोगों को पीना है दिन में वो पी पाएंगे कभी नहीं पी पाएंगे, कभी एक्सरसाइज कर पाएंगे कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये आप जो डाउन से ही चलते रहेंगे लाइफ में, पर लेकिन इनके चलते चलते आप लोगों को अपनी एनर्जी को मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि आज टाइम टेबल फॉलो नहीं किया गया तो आज तो बस कहानी खराब, अब पढ़ना छोड़ देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। आज अगर टाइम टेबल फॉलो नहीं किया गया तो कल अच्छे से करो उसको, कल फॉलो नहीं किया जा रहा तो परसों अच्छे से करो उसको। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिकली कि अगर किसी दिन टाइम टेबल नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो इतना फ्लेक्सिबल आप लोगों को अपना शेड्यूल रखना है कि चलो आज नहीं हुआ, कोई रीजन हो गया, कोई बहुत बड़ी समस्या बढ़ गई तो कल उसको कंप्लीट कर लेंगे। पर लेकिन इसको इतना भी ज्यादा आप लोगों को फ्लेक्सिबल नहीं करना है कि पता चला हफ्ते में चार दिन बस छुट्टी चल रही है, ऐसा भी नहीं करना है। हफ्ते में एक दिन गैप आप लोग मान सकते हैं और उस एक दिन के गैप को आप लोगों को पता होना चाहिए कहां पर कवर करना है। गैप का मतलब यह कि आप लोग अगर मान लीजिए आप लोगों को 8 घंटे पढ़ना है तो हो सकता है कि आज आप लोग 4 घंटे पढ़े बस, पर लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि बचे हुए जो आगे के 5 दिन हैं, अगर हफ्ते में आप लोग 6 दिन पढ़ते हैं तो एक दिन रिवीजन करते हैं, तो उनमें आप लोगों को 4 घंटे कवर करने हैं। तो ये होती है एक रियलिटी। तो आप लोगों को रियल रहना है, परफेक्ट नहीं रहना है, क्योंकि परफेक्ट रहने के चक्कर में इंसान जो है बर्बाद हो जाता है। तो अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखते हुए अपनी सारी चीजों पर आप लोगों को कमांड करके चलनी है। तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं उठे टाइम पर तो कोई दिक्कत नहीं, कल उठ जाओ, कल नहीं उठे तो परसों उठ जाओ, आज एक्सरसाइज नहीं करी कोई बात नहीं कल कर लो, तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल भी यार बिल्कुल खत्म ही होगी, अब नहीं हो पाएगा हमसे, हमसे तो आज तक नहीं हुआ कैसे हो जाएगा। अगर इस जोन में आप लोग हैं तो उसको थोड़ा चेंज कीजिए और कर सकते हो यार आसानी से। दुनिया करती है, जिसने कुछ अचीव किया उसने सारी चीजें की हैं। ओके, बाकी ये 2 वीडियो अगर आप लोग देखेंगे डेली तो करंट अफेयर में आप लोगों को मास्टरी हो जाएगी और आप लोग अपने आप को एक ऐसे जोन में पाएंगे कि चाहे निबंध लिखना है, चाहे कोई आंसर देना है, आंसर राइटिंग करनी है, चाहे कोई प्रीलिम्स यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करना है और बाकी किसी के साथ में डिबेट और डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर इन वीडियो से कर पाएंगे। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अब तक का। आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने क्विज होगा, तो बिल्कुल टकटकी लगाकर आप लोगों को ये क्विज देखना है ताकि अच्छे से आप लोग वीडियो के अंदर फिर इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओ। हमारी कंट्री में एक अलग तरीके का ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क बनाया गया है, तो ये किस पर्टिकुलर एरिया में, किस राज्य के अंदर इसको बनाया गया है, ताकि जो ट्रांसजेंडर यानी कि जो किन्नर कम्युनिटी के जो समुदाय के जो लोग होते हैं उनके बारे में भी उनकी जो ग्रेवेंस है, उनकी जो दिक्कत है उनको सुना जा सके और फिर उनका सोल्यूशन निकाला जा सके। डिटेल में डिस्कस करूंगा आर्टिकल को, कई सारी इंटरेस्टिंग चीज डालेंगे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा केस था जिसके बाद में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हम लोगों ने फंडामेंटल राइट दिया और एक थर्ड जेंडर की कैटेगरी डाली, तो वो भी सब जानेंगे। एक कन्नड़ पोएट है जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है, इनके द्वारा विलियम शेक्सपियर के जो सोनेट होता है 14th century की जो पोएम हुआ करती थी तो उनको सोनेट्स बोलते हैं, तो इनको कन्नड़ में ट्रांसलेट किया था, तो इनका नाम आप लोगों को बताना है, रिसेंटली इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर गिरिमाथा जो बीच है ये बेव बंगाल में देखने को मिलेगा, कौन से राज्य में आप लोगों को ये लोकेटेड नजर आएगा। ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो रेडली टर्टल है यानी कि जो कछुए हैं ये पर्टिकुलर, तो इनका नेस्टिंग ग्राउंड है, इनके सबसे ज्यादा अंडे जो होते हैं वो यहीं पर ही देते हैं और ये वर्ल्ड फेमस है यहां पर ये, ठीक है। तो इसके बारे में लोकेशन भी आप लोगों को दिखाऊंगा और इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये है क्या बेसिकली, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर अभी रिसेंटली एक बात की जा रही है कि हमारी कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर थे, सिख फाइटर पायलट था इनका नाम, सॉरी पायलट थे इनका नाम आप लोगों को बताना है, तो न्यू मेमोरियल बनाया जा रहा है बेसिकली, जो पोर्ट सिटी है यहाँ पर ये साउथहैम्पटन, ठीक है। तो यहां पर बात की जा रही है ये कहां पर, इंग्लैंड के अंदर में, तो लोकेशन आप लोगों को दिखाऊंगा, इनका नाम आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का नाम आप लोगों ने सुना पहले, इसको वर्ल्ड वॉर फर्स्ट नहीं, इसको बस वर्ल्ड वॉर बोलते थे, पर लेकिन जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गई तो फिर इसको फर्स्ट बोलने लगे, क्योंकि नाम में डिफरेंशिएट होना चाहिए ना, तो इसके चलते यहां पर जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या फिर ग्रेट वॉर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये 1914 में स्टार्ट की गई थी, 1914 में, तो ये कंप्लीट कब हुई यानी कि खत्म कब हुई ये आप लोगों को बताना है।
अकाउंट के बारे में अगर आप लोग बात करें हमारी कंट्री में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो उसके वजह से ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं उसका 10% आप लोग अपनी ही कंट्री में लोग यहां पर नजर आएंगे जो विक्टिम इसके नजर आएंगे। ये किसके द्वारा बताया गया है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है, ये आप लोग को बताना है। ट्रांस यूनियन CIBIL, यहां पर यह है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, तो इसके द्वारा पार्टनरशिप की गई है एक मिनिस्ट्री के साथ में, उस मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को बताना है। क्या करने के लिए, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स है, यानी कि जो लघु छोटे मझोले जो उद्योग हैं उनको सही तरीके से क्रेडिट यानी कि लोन देने के लिए इनकी हेल्थ कैसी है उसके बारे में एक इंडेक्स है, तो ये इसके द्वारा यहां पर जो कि ट्रांस यूनियन CIBIL है और एक पर्टिकुलर हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री है, इसके द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को बताना है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा अभी रिसेंटली ऑल वुमेन क्रू यानी कि सारी वुमेन थी यहां पर इस जहाज के ऊपर में, तो यहां पर ये ऑन बोर्ड SCI का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। तो यहां पर स्वर्ण जो कृष्णा है, MT स्वर्ण कृष्णा इसका नाम था विसल यानी कि जहाज का, तो इसके बारे में बात की जा रही है, जो वेसल था तो इसमें यहां सारी महिला थी, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है इंडियन ए हिस्ट्री में बेसिकली, अगर आप लोग देखेंगे कि सारी जो वुमेन थी एक साथ में जो इसको चला रही थी। बात की जा रही है यहां पर पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में, तो ये कहां पर लोकेटेड है आप लोगों को ये बताना है, और कौन सी रिवर के साथ में यहां पर कनेक्टेड है ये भी आप लोगों को बताना है। ये जो रिवर है इसके बीचों बीच में से होकर गुजरती है, तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, राज्य कौन सा है, रिवर कौन सी है, और ये न्यूज में क्यों है वो तो हम लोग आर्टिकल के अंदर जान ही लेंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग काफी प्यारा डिस्कशन रहने वाला है। तो आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं बिना किसी देरी के। तो आइए सबसे पहले हम लोग नजर डालेंगे यहां पर जो शॉर्ट न्यूज है उनके ऊपर, तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, डिटेल में थोड़ा समझेंगे पर लेकिन शॉर्ट न्यूज है, ठीक है। शॉर्ट न्यूज डिटेल में, तो बात की जा रही है हमारी कंट्री में पहला अपने ही तरीके का एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी यानी कि जो किन्नर होते हैं उनके लिए एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क बनाई गई है, कहां पर, तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना के अंदर यहां पर ये साइबराबाद जो पुलिस है उसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करिए तो एक केस आया था जिसको बोलते हैं नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, तो जो NLSA तो यहां पर नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था यहां पर, ये 2014 का। तो उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार इनकी क्या गलती है, अगर कोई किन्नर बनाए ये नेचुरली है तो हम लोग इनको सोसाइटी में इंक्लूड कर क्यों नहीं चलते हैं। तो उसके बाद में फिर इनको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में, इनको एक तरीके से फंडामेंटल राइट जो है इनके उसके चलते इनको इंक्लूड किया गया और इसको थर्ड जेंडर भी बोलने की बात की गई, यानी कि ट्रांसजेंडर को बोला कि थर्ड जेंडर है यहां पर, इसका खिताब इसको दिया गया। इसी के साथ में अगर बात करें तो यहां पर जो पुलिस लाइजन यानी कि मेल जोल ऑफिसर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कम्युनिटी के अंदर जो कोऑर्डिनेट करेगा, अगर कोई भी इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उसके ऊपर फोकस देकर चलेगा, और ये सारी बात की जा रही है यहां पर ये साइबराबाद जो कमिश्नरेट है उसके अंदर में। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इनके खिलाफ में, किसी भी तरीके से कोई लीगल एड देना है, लाइफ स्किल देनी है, सॉफ्ट स्किल सिखानी है, कुछ भी अगर होना है, जॉब का प्लेसमेंट होना है, ये सारी चीजों से रिलेटेड भी इनको हेल्प प्रोवाइड कराई जाएगी। तो कौन सी मिनिस्ट्री है यहां पर जो मिलकर काम कर रही है, तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो मिलकर काम कर रही है ताकि अच्छे लेवल पर यहां पर इनकी हेल्प प्रोवाइड कराई जा सके, ठीक है। तो अपने ही तरीके का पहला अगर कोई ऐसी चीज किसी भी एरिया में देखने को मिलती है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में यहां पर बात करेंगे जिनका नाम है NS, ये है यहां पर लक्ष्मण नारायण, ठीक है। तो आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में, तो रिसेंटली भी इनकी डेथ हुई है। तो सबसे पहले तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि किससे रिलेटेड है, तो ये एक पोएट थे यहां पर, कन्नड़ पोएट थे। तो जो यहां पर NS जो लक्ष्मी नारायण भट्ट, इनको NSL के नाम से भी जानते हैं, NSL, ठीक है। NSL यानी कि NS यहां पर हो गया, ये लक्ष्मी नारायण भट्ट। तो अगर बात करें इनके बारे में तो 84 की एज में भी इनकी डेथ हुई है। इनको काफी इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग जब जानते हैं तो आप लोग इनके बारे में जानिएगा कि यहां पर जो विलियम शेक्सपियर थे इनकी जो 50 के करीब जो पोएम थी वो इनके द्वारा कन्नड़ भाषा में, और TS यहां पर एलर्ट की जो यहां पर पोएम थी उनको भी यहां पर कन्नड़ भाषा में इनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो इनका ट्रांसलेशन का जो वर्क था उसके लिए काफी जाने जाते थे यहां पर। तो उसके चलते हाँ, अगर आप लोगों से कोई पूछे हमारी कंट्री में किसके द्वारा ये काम किया गया तो ये यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पर्सन इन न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं द पोयम ऑफ TS एलर्ट, तो यहां पर फर्स्ट और सेकंड आप लोगों को देखने को मिलेगा वॉल्यूम, और बाकी यहां पर ये बात की जा रही है हम लोगों ने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में जो जाना, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है 3 मेंबर का जो पैनल यहां पर उड़ीसा हाईकोर्ट के द्वारा बनाया गया, ये बात की जा रही है यहां पर गिरिमाथा जो मैरीन जो सेंचुरी है उसके बारे में। बेसिकली यहां पर ये आप लोगों को उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगी, और यहां पर अभी हुआ क्या था रिसेंटली 4 फरवरी को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें ये बोला कि 800 के करीब जो यहां पर ओलिव रेडली टर्टल है उनकी जान चलेगी, ठीक है, जनवरी से लेकर अब तक का, यानी कि जनवरी से लेकर अब तक का यहां पर 4 फरवरी को यहां पर जब रिपोर्ट आई तो बोला कि लगभग 800 के करीब यहां पर टर्टल की जान जा चुकी है, और ये सारी जो जान गई है जो स्टेट जो फॉरेस्ट
फॉरेस्ट है और जो फिशरी डिपार्टमेंट है उसकी लापरवाही की वजह से ये जान गई है। तो इसी के चलते यहाँ पर इसके ऊपर रिपोर्ट मांगी है। ओलिव रेडली टर्टल जो यहाँ पर ये काफी लार्ज स्केल पर उड़ीसा के कोस्ट पर आते हैं हर साल और वहां पर अपने अंडे देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर इसको वर्ल्ड का अगर देखा जाए तो लार्जेस्ट नेस्टिंग ग्राउंड यहाँ पर बोला जाता है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर में। तो यहाँ पर ये गरिमाथा जो बीच है यहाँ पर ये बे ऑफ बंगाल के कोस्ट की साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर अंडों की इमेज आप लोगों को देखने तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं एक कछुआ कई सारे अंडे यहाँ पर देता है एक ही बार में, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा फिर इन अंडों से आप लोगों से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर निकलते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और दुनिया भर के कछुए आप लोगों को जो बीच पर देखने को मिलते हैं तो इस तरीके से ये पर्टिकुलर जो बीच है आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो कहां पर है ये? उड़ीसा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट जो लोकेशन बात की जा रही है तो उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग मैप में भी देखना चाहते हैं एग्जैक्ट आप लोग यहाँ पर लोकेशन इसकी देख सकते हैं। इसके बराबर में अब्दुल कलाम आइलैंड है, इनका भी नाम आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कई बार आप लोगों से। तो ये जो लोकेशन होगी उड़ीसा के अंदर, तो यहाँ पर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उड़ीसा कोस्ट पर बे ऑफ बंगाल की साइड में ये एग्जैक्ट लोकेशन है। बाकी नीचे वाली जो न्यूज है यहाँ पर ये थोड़ा सा आप लोगों को देखने को मिलेगी, हिस्ट्री की भी चीजें कुछ कनेक्टेड है यहाँ पर। हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद साहब के द्वारा अभी यहाँ पर फाउंडेशन स्टोन रखा गया यहाँ पर कंजर्वेशन वर्क ऑफ ये यहाँ पर सिंगरौहगढ़ जो फोर्ट है। तो अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे कोई कि सिंगरौहगढ़ फोर्ट कहाँ पर है तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। हमारी फैमिली के कितने ऐसे मेंबर जिनके द्वारा इसको देखा गया कभी, तो आप लोग बताइएगा जरा इसका एक्सपीरियंस कैसा है। बाकी अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट के द्वारा इनॉग्रेट किया गया यहाँ पर एक नया सर्किल, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक नया सर्किल है यहाँ पर जबलपुर के अंदर, ठीक है। अगर थोड़ा सा इस पर्टिकुलर फोर्ट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर ये जब यहाँ पर गोंड जो रूलर थे उनके अंडर में आया सिंगरौह फोर्ट, उससे जो अंडर आया तो यहाँ पर चंदेला रूलर थे 1308 में। ये जो गोंड रूलर थे यहाँ पर जिनका नाम था संग्राम साहब, उनके द्वारा कॉन्केर इनके एक तरीके से अपनी पकड़ में लिया गया ये सिंगरौह फोर्ट। अर्ली जब 16th सेंचुरी के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये हिली जो फोर्ट है यहाँ पर गोंडवाना किंगडम के अंदर, तो ये काफी हिली एरिया और फॉरेस्ट एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में है। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में अगर आप लोगों से बात करूं, हमारी कंट्री में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है और जो भी ऐसी पुरानी साइट है धरोहर है उनको संजोने का काम करती है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम, याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंगम ये थे जो पहले डायरेक्टर जनरल इसके बनाए गए। आज की डेट में कौन है उनका नाम आप लोगों को बताना है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और 1861 में इसको बनाया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये आती है। तो ये है आप लोगों के सामने इसकी पिक्चर, अगर आप लोग पिक्चर भी देखना चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, आइए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। ये जो इंटरनेशनल न्यूज है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, कुछ मैप बेस्ड भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों से कोई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में पूछेगी कब से कब तक चली, या वर्ल्ड वॉर सेकंड के बारे में कोई पूछे कब से कब तक चली, तो ये भी मैं आप लोगों से बातें करूंगा और डिटेल में जानेंगे इस न्यूज के बारे में। आखिर न्यूज क्या है पहले आप लोग ये समझिए। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये मैप देखिए, ये इधर देखिए तो ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये है यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम, तो इसके अंदर है एग्जैक्ट ये लोकेशन जो कि आप लोगों को रेड स्पॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंग्लिश चैनल हो गया नीचे, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे पहले हम न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका नाम है यहाँ पर साउथहैम्पटन, ठीक है। तो यहाँ पर अभी रिसेंटली इंग्लैंड के द्वारा बताया गया कि एक स्कल्पचर डिजाइन की जाएगी, यानी कि जो हमारी कंट्री के जो सिख फाइटर थे पायलट भी थे यहाँ पर जिनका नाम था हरदीप सिंह मलिक, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा हरदीप सिंह मलिक, ठीक है। तो ये फाइटर पायलट भी थे जिनकी मूर्ति बनाने की बात की जा रही है यहाँ पर साउथहैम्पटन में, जो कि एक बंदरगाह है कहां पर, एक पोर्ट सिटी है कहां पर, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी कंट्री में जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर हमारी कंट्री के जो फाइटर थे उनके द्वारा जो रोल प्ले किया गया था, तो उनके चलते यहां पर ये बेसिकली अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो मेमोरियल यहां पर बनाया जा रहा है, ये क्रिएटेड किया जा रहा है यहां पर जो इंग्लिश स्कल्पचर है जिनका नाम है लुईस पेरी, ठीक है। तो यहाँ पर लुईस पेरी हरदीप जो सिंह मलिक है यहाँ पर, ये बोर्न हुए थे सिख फैमिली में 23 नवंबर 1894 1894 में रावलपिंडी, जो कि वेस्ट पंजाब आज के डेट में पाकिस्तान में है, यानी कि जो प्री पार्टीशन की बात की जा रही है उस टाइम पर पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था। हरदीप सिंह जो मलिक है यहाँ पर ये यूके में आए 1908 के अंदर में, और उसके बाद में ये 14th ईयर ओल्ड ये यूनिवर्सिटी जो ऑक्सफोर्ड है वहां पर इनके द्वारा अपनी पढ़ाई की गई। आगे चल के मेंबर भी बने रॉयल फ्लाइंग जो कॉर्प्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट थी ये 1914 से लेके 1918 तक चली थी। तो इनके द्वारा यहां पर आगे चलकर इनको खिताब भी दिया गया फ्लाइंग सिख। आज के दिन आप लोगों ने सुना होगा जब से मिल्खा सिंह मूवी देखी है कि उनको फ्लाइंग सिख का खिताब दिया गया, पर उससे पहले यहां पर इनको फ्लाइंग सिख इनको बोला जाता था, ठीक है। तो यहां पर इनका भी नाम आप लोग याद रखते हैं। तो ये जो थे ये काफी इंपॉर्टेंट एक प्लेयर भी रहे यहां पर, ऐसा आगे चलकर
और एक इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस यानी कि इंडियन सिविल सर्विसेज में भी यहाँ पर इनका काफी अच्छा करियर रहा। आगे चलकर इनकी जो डेथ हुई यहाँ पर ये है 1985 में इनकी जान गई 31 अक्टूबर। ठीक है, तो 31 अक्टूबर हमारी कंट्री में एक इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो आप लोग बताइए कौन सा डे है। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या फिर ग्रेट वॉर जिसको बोलते हैं ये स्टार्ट हुई थी जुलाई 1914 में और नवंबर 1918 तक यहां पर चली। इसमें क्या कौन कौन से पावर थे जो आमने सामने थे, तो कई बार आप लोग कंफ्यूजन होता है, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो अलाइड पावर थी और जो सेंट्रल पावर थी उसके बारे में बात करते हैं। अलाइड जो पावर थी उसमें फ्रांस, रसिया, ब्रिटेन, तो रसिया जो था वो ब्रिटेन और इसी के साथ में यूनाइटेड जो स्टेट है उसके साथ में था, लेकिन कोल्ड वॉर में जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये याद रखना। तो फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया और यूके जो बेसिकली सॉरी रसिया और जो यूएसए ये एक साथ में थे अलाइड, और इसमें जो यूएसए था वो स्टार्टिंग से नए ऐड था यहाँ पर, ये बाद में जुड़ा था 1917 में। ठीक है, 1917 में जुड़ा यूएसए, उससे पहले यहाँ पर ये लगे हुए थे सारे। और बाकी अगर बात करें सेंट्रल पावर की तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर और बुल्गेरिया, तो ये बेसिकली यहाँ पर सेंट्रल पावर थे जिनके बीच में ये दंगल चल रहा था। इंडिया जो है उसके द्वारा काफी ह्यूज कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया, पर लेकिन आप लोग बात करें 1917 की, 1914 की, तो उस टाइम पर हम लोग अंग्रेजों के अंडर में थे यानी कि हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे उस टाइम पर। अगर बात करें तो काफी सारे लोग, काफी सारी मनी जो थी इंडिया से, काफी सारा फूड यानी कि खाना, बहुत सारा पैसा, बहुत सारे हथियार ये कलेक्ट किए गए हमारी कंट्री में, कई सारे उल्टे सीधे टैक्स भी लगाकर। और ये बोला गया इनके द्वारा, प्रॉमिस किया गया कि हम लोग आगे चलकर, ये इनके द्वारा प्रॉमिस किया गया कि सेल्फ रूल जो था हम लोग उसको इंप्लीमेंट करेंगे जैसे ही वॉर जो है वो खत्म हो जाएगी। पर लेकिन आप लोगों को पता है अंग्रेज जो थे वो काफी धोखेबाज थे, उनके बाद में फिर इनके द्वारा कोई भी ऐसा रूल जो है वो इंप्लीमेंट नहीं किया गया, यानी कि ये एक तरीके से वादा फरामोश आप लोग बोल सकते हैं। वर्ल्ड वॉर सेकंड आया यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, ये चला 1939 से लेकर 1945 यानी कि 1939 से लेकर 1945 तक ये चला। इसमें भी यहां पर एक्सिस पावर और अलायंस जो पावर थे यहां पर, इसमें जर्मनी, इटली और जापान थे एक साइड में, और फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और जो यूएसए और सोवियत यूनियन ये एक साइड में थे, और लेसर एक्सटेंट तक आप लोग चाइना भी यहां पर बोल सकते हैं। तो इस टाइम तक अगर देखिए हमारी कंट्री जो है वो आजादी के कगार पर आकर खड़ी हो चुकी थी। तो हमारी कंट्री का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, हालांकि वो इनके द्वारा कभी पास्ट में रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, और जो ये काफी इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट है जो इसके बीच में आप लोग याद रखिएगा 1939 के और 1945 के, ये है पर्ल हार्बर। ठीक है, तो यहां पर पर्ल हार्बर जो था अटैक किया गया यहां पर सरप्राइज, ये एक तरीके से जापानीज नेवी के द्वारा यूएसए के जो पर्ल हार्बर पर जो अटैक किया गया, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। उसी के चलते आगे चलकर जो आप लोगों को देखने को मिला कि यूएसए के द्वारा जो बॉम्ब गिराए गए, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो ये कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है जो यहां से यूएसए जो था वो खुंदस खाए बैठा था, और उसके चलते फिर यहां पर जो बदला था वो ऐसे लिया गया कि डिस्ट्रॉय कर दिया सारी चीजों को। तो यहां से कई बार इतना खतरनाक चीजें हो जाती हैं कि उसका खामियाजा कुछ ही और तरीके से भुगतना पड़ता है आने वाली जनरेशन तक भी। ठीक है, तो इसके बारे में बात की है, तो इंडिया के द्वारा जो भी चीजें उनको फिर से प्रोमिस किया गया कि इंडिपेंडेंट मिलेगी, पर लेकिन ग्रांट नहीं किया गया। तो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो अलाइड जो पावर थी उनके द्वारा कभी माना ही नहीं गया। अब यहां पर ये 2021 में कॉन्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। चलिए, जो भी है देर आए दुरुस्त आए, जो भी है अच्छा है। अगर बात करें अपने नेशन की न्यूज के बारे में, आगे चलते हैं। यहां पर आप लोग कई बार गाड़ी में बैठे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कई बार कई सारे एक्सीडेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो इसमें एयरबैग के बारे में कितने आप लोग जो है जानते हैं। एयरबैग क्या होता है, अगर कोई झटका लगता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है कोई, तो ये जो हैंडल है इसमें से निकल के आता है, और जो ड्राइवर है उसका ताकि उसका मुंह ना लगे डायरेक्ट जाकर, जो बेसिकली हैंडल के अंदर उस पर मुंह ना लगे एकदम स्टेयरिंग के ऊपर जाकर, तो उसके चलते यहां पर ये एयरबैग लगाया जाता है। बेसिक पर्पज यही होता है कि इंसान की जान बच जाए, कई बार खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं तो उसकी वजह से इंसान की जान चली जाती है, तो ये जान बचाने का काम करेगा। तो ये तो बोल दिया गया कि आप लोग यहां पर जो ड्राइवर की सीट है उस पर एयरबैग रहेगा, पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा ये बोला गया अभी एक गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, कुछ जो ड्राइवर की बराबर वाली सीट होती है उस पर भी आप लोगों को एयरबैग लगाना है, वो मैंडेटरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इसके चलते जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, ये खासकर आफ्टर अप्रैल 1, 2021 यानी कि 1 अप्रैल से बाद में, तो यहां पर ये जो न्यू मॉडल आने वाले हैं या फिर अगस्त जो 2021 के बाद में यहां पर जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उनमें ये फिट किया जाएगा एयरबैग जो कि ड्राइवर की बराबर वाली सीट पर है। तो इससे ड्राइवर के साथ में जो बैठा रहता है इंसान, अगर एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर की तो जान बच जाती है, उसका भी तो माथा, नाक, कान लग सकते हैं दाकर जा रहे डायरेक्ट, जो कि हार्ड सर्फेस होता है गाड़ी का, तो बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। ये कब आया, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर कमेटी बनाएगी रोड सेफ्टी को लेकर, उसके बाद में यहां पर ये कॉन्सेप्ट आया।
हमारी कंट्री में अगर आप लोग बात करिए, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को बताया भी था, लगभग 1.5 लाख के करीब लोगों की जान जाती है। और इसको बोला जा रहा है 2025 तक इसको घटाकर ये 75,000 लेकर आएंगे, यानी कि 75,000 लोगों की जो जान है ये बचाएंगे। अब कितना इंप्लीमेंट किया जाता है वो तो आगे देखने को मिलेगा, पर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर माने, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, लगभग 10% के करीब जो ऑल रोड क्रैश होते हैं विक्टिम जो ऑल ओवर वर्ल्ड में, वो हमारी कंट्री में देखने को मिलेंगे। इससे एक अंदाजा आप लोग ये लगाइए कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोगों से मैं पूछूं, चलिए क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, यूएन के अंदर कितनी कंट्री है, यूएन के अंदर जिसको यूनाइटेड नेशन आप लोग बोलते हैं, उसके अंदर कितनी कंट्री है टोटल, अगर पूछा जाए तो कितने मेंबर हैं यूएन के अंदर, ये आप लोग बताइए। तो यूएन के अंदर जब आप लोग मेंबर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, वो सारे मेंबर अगर आप लोग काउंट करेंगे और उसके बाद में देखेंगे, उन सारे मेंबर को एक जगह रखकर देखेंगे, तो उसका अकेला 10% जो है वो इंडिया से निकल कर आता है, ठीक है। तो इससे चलिए अंदाजा आप लोग लगा पाएंगे, 193 मेंबर हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सबके हिस्से में 1% भी आए तो भी आप लोग यहां पर देखते हैं, आधा आधा परसेंट भी लगाया जाए तो भी आप लोग यहां पर देखते हैं, हमारी कंट्री अकेले 10% लिए हुए, इतने सारे लोग ही जान जाती है। हर दिन हमारी कंट्री में 415 जो लोग हैं वो रोड एक्सीडेंट की वजह से मारे जाते हैं, तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, अगर एयर बैग लगा होगा तो ये लाइफ सेविंग का काम करेगा। वैसे कई सारे सेफ्टी मेजर और रहते हैं ऑटोमोबाइल के अंदर, जैसे कि अगर स्पीड आप लोगी पहले 80 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जाएगी या फिर आगे चलकर 120 किलोमीटर पर आवर के ऊपर जाएगी तो आप लोगों को टू टू की आवाज सुनने लगती है, सुना होगा ना आप लोगों ने। इसी के साथ में रिवर्स पार्किंग सेंसर लगे होते हैं ताकि आप लोग ठोक ना दे गाड़ी कहीं पर, एंटी लॉक जो ब्रेकिंग जो सिस्टम होता है ये भी आप लोग को देखने को मिलेगा। बेसिकली इसके ऊपर एक वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ये तो इस वीडियो के नीचे या टेलीग्राम पर इसको समझ पाएंगे आप लोग ढंग से, ये एक्चुअली होता क्या है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो इसकी वजह से भी कई बार जो एक्सीडेंट है वो होने से बच जाते हैं। ड्राइवर और पैसेंजर की जो सीट बेल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं पर भी किसी भी गाड़ी में आप लोग बैठते हैं तो ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सीट बेल्ट जरूर लगाइए, वो आप लोगों की सेफ्टी के लिए है, इन चीजों को इग्नोर मत कीजिए, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। वरना मैनुअल ओवरराइडिंग फोर जो सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम, इसके बारे में बात की जाती है, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये भी काफी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी व्हीकल को ध्यान में रखकर ये बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, आगे चलते हैं। और हाँ, सेफ्टी देखिए आप लोग, अगर आप लोग मोटरसाइकिल भी चलाते हैं तो आप लोग हेलमेट लगाकर जरूर निकलिए, भले ही आप लोगों को 1 किलोमीटर क्यों नहीं जाना है, क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नहीं देखेगा, वो फिर जान लेकर जाएगा, और अगर सर में चोट लग जाती है तो बहुत खतरनाक होती है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करें यहां पर वेल साग के बारे में, जो साग वेल होती है उसके बारे में बात की जा रही है, अभी उड़ीसा के एक कोस्ट पर यहां पर रेस्क्यू किया गया है वेल साग को, तो उसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में है। वेल साग के जो लार्जेस्ट जो साग है हमारी कंट्री में, यहां पर अगर देखें जो कोई भी फिश आज के में जिंदा है तो सबसे बड़ी यही मानी जाती है। ये बेसिकली अगर बात करें तो ये मीट वगैरह नहीं खाती है, ये प्लैंकटन जो होते हैं ये समुद्र के अंदर जो पाए जाते हैं उनको अपना भोजन बनाती है, तो यानी कि ये मछली वगैरह नहीं खाती है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो यहां पर फिल्टर फीडर जो सार्क इनको बेसिकली बोला जाता है, जिसके बेस पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो मैक्सिमम साइज है वो लगभग 20 मीटर तक लार्ज आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और इनका जो साइंटिफिक नेम है, कई बार ऐसी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है स्टेट पीसीएस के अंदर भी, तो ये यहां पर रहन कॉन्डोन ये टाइपस, ठीक है। तो यहां पर RIHRHINCONDON ये TYPUS, ठीक है। तो RT या फिर RCT के नाम से कुछ भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कई बार न्यूज में चीजें होती है तो आप लोगों से पूछ लिया जाता है। प्लैंकटन क्या होते हैं आप लोगों ने ये कई बार इनके बारे में पढ़ा होगा, आप लोगों ने इनके बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो प्लैंकटन ये एक तरीका ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आप लोगों को वाटर या फिर एयर में भी आप लोग कई बार देखने को मिलते हैं, जो कि यहां पर ये करंट जो होती है, जो ओशियन करंट के नाम आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो ये उसके फ्लो में बहते हैं, ठीक है। तो ये जो करंट होती है ओशियन के अंदर, करंट बेसिकली जो प्रवाह होता है, बेसिकली जो प्रवाह होता है जो उसके अंदर जो स्ट्रीम्स होती है उनके बारे में बात की जा रही है। तो प्लैंकटन जो होते हैं यहां पर, इनको यहां पर प्लैंकटन के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जो कि भोजन बनाया जाता है कई सारे जीव जंतु के द्वारा जो कि ओशन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। तो इकोनॉमी के बारे में क्या न्यूज है, ये बात की जा रही है एमएसएमई के बारे में, और एमएसएमई से रिलेटेड एक क्रेडिट रैंकिंग के बारे में यहां पर बात की जा रही है। इसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो यहां पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है उसके रिलेटेड जो इंडेक्स है उसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, जो भी छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं, अगर उनको हम लोगों को अगर क्रेडिट देना है, अगर वो डूब रहे हैं, उनकी जान बचानी है, तो उसके चलते क्रेडिट काफी ज्यादा जरूरी है। उनकी हेल्थ चेक करनी पड़ती है, कैसी उनकी हेल्थ है, तो उसी के चलते यहां पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ये क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स जो है यहां पर ये भी निकलकर सामने आए, जिसमें जो अभी रिसेंटली यहां पर बात देखने को मिली थी कि यहां पर इसको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहां पर जो एक्सेलेट किया गया इसको क्वार्टर एंडिंग सितंबर 2020 और बेसिकली यहां पर कंपेयर किया जा रहा है यहां पर जून 2020। ये हालांकि डेटा नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बारे में याद रखिएगा, क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स के बारे में। क्वेश्चन दूसरा क्या बनेगा कि किसके द्वारा तैयार किया जाता है, जो यहां पर ट्रांस यूनियन CIBIL, इसको बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड,
क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये किसके साथ मिलकर काम किया, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा मिलकर, इनके द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर MSME क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स यहां पर इशू किया गया। ये जो इंडेक्स है ये क्वार्टरली पब्लिश किए जाते हैं, यानी कि ये क्वार्टरली, देखिए जब आप लोग इसको समझिएगा, कई बार आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन भी जाते हैं। जैसे अगर बात करें हमारी कंट्री में, जैसे कि आप लोग क्वार्टरली किसी चीज को देखते हैं, तो कितने हमारी कंट्री में अगर बात करें क्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, पहले स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए क्वार्टरली यहां पर इनको इशू किया जाता है, और एम ये रहता है कि ताकि जो ग्रोथ है, जो स्ट्रेंथ है यहां पर एमएसएमई की, उनको नापा जा सके। तो उसके चलते काफी इंपोर्टेंट बन जाते हैं, खासकर जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की हेल्थ को चेक करते हुए जब हम लोग बात करते हैं। इमरजेंसी जो क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है यहां पर, ये हमारी कंट्री में आत्मनिर्भर भारत जो अभियान लॉन्च किया गया था मई 2020 में, जिसे हमारी कंट्री को अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट बनाने की बात की गई, तो उसके चलते भी यहां पर डिस्ट्रेस को कम करने के लिए कोरोना वायरस के टाइम पर, तो यहां पर कई सारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो थे डिफरेंट सेक्टर में, वो यहां पर खस्ता हालत में चले गए, तो उनकी हालत को भी इंप्रूव करने की कोशिश की गई, ताकि उनको बेसिकली अगर लोन चाहिए तो उनको सस्ता लोन प्रोवाइड कराया जा सके। जो डूबते हुए जो भी छोटे छोटे लघु उद्योग, गांव में भी कई सारे छोटे छोटे लघु उद्योग स्टार्ट किए जाते हैं, उनको आगे लेकर चला जा सके। तो ये बेसिक फोकस यहां पर इसका देखने को मिला, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में भी याद रखिएगा। बाकी अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो बात की जा रही है, बात की जा रही है लाइन क्रेडिट, जो बेसिकली जो क्रेडिट लाइन है उसकी गारंटी स्कीम के बारे में बात की जा रही है। तो जब गारंटी की बात करें तो 100% गारंटी प्रोवाइड कराई जाती है यहां पर नेशनल क्रेडिट गारंटी, जो ट्रस्टी कंपनी है उसके द्वारा, ताकि जो मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है MLI, ये बेसिकली बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग जो कंपनी है, तो प्रॉपर इमेज चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। देखिए होता क्या है, अगर जैसे COVID-19 सिचुएशन बनी, हर बार तो ये बनती नहीं है, अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है तो बहुत सारे बिजनेस जो है, बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारी प्रक्रिया जो कंट्री में चल रही है, वो रुकने के कगार पर आ जाती है। तो उनको अगर कंटिन्यू रखना है तो कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम यहां पर बेसिकली देखना पड़ता है, ठीक है। डिफेंस के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर बात की जा रही है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहां पर अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में एक ऑल वुमेन क्रू, जो बेसिकली ऑन बोर्ड, यानी कि एक तरीके से जो वेसल था, यानी कि जो जहाज था उस पर, जो कि यहां पर जिसका नाम था MT स्वर्ण कृष्णा, ठीक है। तो यहां पर ये बेसिकली सारी जो महिलाएं थी वो आप लोगों को देखने को मिलेगी इस पे, और इनके द्वारा यहां पर ये लीड किया गया। तो ये कब लीड किया गया, क्या दिन था यहां पर, तो ये था इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इसी के साथ में यहां पर जो ये जो बेसिकली इसकी गोल्ड, इसकी डायमंड जुबली भी सेलिब्रेट की जा रही थी SCI की, जिसको बोलते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके चलते दोनों का एक सेम मिलाप हो गया, एक ही दिन में दोनों चीजें थी, तो इसलिए यहां पर इसको सेलिब्रेट किया गया। और इंटरेस्टिंग चीजें ये पे हैं, अपने ही तरीका वर्ल्ड में, यानी कि वर्ल्ड में पहली बार ऐसा ये हिस्ट्री में हुआ है जिसमें कार्गो शिप जो है, कार्गो होता है सामान ले जाने वाला जो शिप है, वो सेल किया गया ऑल वुमेन ऑफिसर, यानी कि सारी वुमेन ऑफिसर थी। इसको जो बनाया गया था शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहां पर एस्टेब्लिश किया गया था 2 अक्टूबर 1961 में, और आगे चलकर कई सारे एरिया में इसको मिलाया गया, जैसे कि कब इसको मिलाया गया, बोल के यहां पर एलिमिनेशन किया गया यहां पर ईस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन का वेस्टर्न शिपिंग कॉर्पोरेशन के साथ में, जब यहां पर इसको बनाया गया। और बात यहीं पर ही नहीं रुकी, आगे चलकर और भी कई सारी चीज आप लोगों को देखने को मिली। टू शिपिंग जो कंपनी है जिसका नाम था यहां पर जयंती शिपिंग, और इसी के साथ में मोगुल लाइन लिमिटेड, ये भी मर्ज कर दी गई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 1973 में और 1986 में, यानी कि जो आज के डेट में आप लोग शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देख रहे हैं वो कई सारी चीजों का मर्ज बनकर मिक्स वेज आप लोगों के सामने निकलकर आया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के बारे में बात करें, तो यहां पर अगर बात करें वेसल के, इनके जो जलियान चलाए जाते हैं, तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दोनों जगह यहां पर ये काफी बड़ा रोल प्ले करता है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर इसके बारे में बात की जाए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये नवरत्न की कैटेगरी में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2018 में इसको नवरत्न की कैटेगरी दे दी गई, पर 2019 में यहां पर यूनियन कैबिनेट के द्वारा यहां पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया, जिसके चलते यहां पर इसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, और डिसइन्वेस्टमेंट भी किया गया यहां पर लगभग 63.75, यानी कि एक तरीके से ट्रांसफर कर दिया गया इसका मैनेजमेंट कंट्रोल स्ट्रेटजिक बायर जिसको यहां पर खरीद रहे थे। तो देखिए इन्वेस्टमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, अगर आप लोग यहां पर 50% से नीचे अगर आप लोग शेयर बेचते हैं तो ये डिसइन्वेस्टमेंट होता है, पर लेकिन अगर 51% से ऊपर ये चला जाता है तो फिर यहां पर ये प्राइवेटाइजेशन होता जाता है, क्योंकि किसी और के हाथ में ज्यादा शेयर चले गए, अब डिसीजन वो इंसान लेगा, ठीक है। ये कुछ इंटरेस्टिंग और डिफरेंट न्यूज है यहां पर बेसिकली इसी से रिलेटेड, जब वुमेन के बारे में बात करते हैं, वुमेन के सेफगार्ड के बारे में बात करते हैं,
तो फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में आते हैं और इसमें हमारे संविधान में 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो राइट टू इक्वलिटी, तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते यहां पर जो बातें की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन यहां पर नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, आप लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, तो आर्टिकल 15 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की मूवी शायद आप लोगों ने देखी होगी, वो कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाते हैं कि कैसा सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। और इसी के साथ में स्पेशल प्रोविजन है यहां पर आर्टिकल 15 में 3 में, जब आप लोग जाएंगे स्टेट फेवर करेगा वुमेन को। देखिए वुमेन जो है उसको सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि काफी लंबे समय से वुमेन को अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए लड़ना पड़ता है, तो इसलिए कुछ ऐसे संविधान में प्रोविजन भी रखे गए ताकि जो महिलाएं हैं, जो वुमेन है, उनको सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, इसी के साथ में फंडामेंटल जो ड्यूटी है सिटीजन की, ये आर्टिकल 51 ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। फंडामेंटल ड्यूटी जो थी हमारे संविधान में कब ऐड की गई, तो ये यहां पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1976 में, तब यहां पर ऐड की गई, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोग बोलते हैं। तो इसके चलते बोला गया कोई भी अपमानजनक आप लोग यहां पर कमेंट नहीं करेंगे, कोई ऐसी बातें नहीं बोलेंगे जो कि महिला की जो डिग्निटी है उसको हैम्पर करे। तो इसलिए महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए ऐसी ऐसी लीडरशिप की जो गाथाएं हैं वो सामने निकाल कर लाई जाती है, ताकि जो चीजें हैं वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहे। ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट थी यहां पर, इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये बात की जा रही है एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में क्या क्या बात की जा रही है, एग्रीकल्चर के बारे में बात की जा रही है, हमारी कंट्री में जो किसान है उनकी इनकम को डबल करने के कई सारे तरीके खोजे जा रहे हैं, खासकर अलग अलग एरिया में। अगर बात करें यहां पर सब मिशन ओन, यहां पर एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, तो सबसे पहले तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है उसके द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक तरीके का एग्रीमेंट आप लोग बोल सकते हैं, ये साइन किया गया सेंट्रल सिल्क बोर्ड के साथ में, ताकि मिलकर काम किया जा सके एग्रो फॉरेस्ट्री इन सिल्क, यानी कि सिल्क के एरिया में मिलकर काम कर सके। और यहां पर ये एक तरीका सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम, यानी कि SMAF इसको बोला जा रहा है, जो कि एक मिशन है यहां पर, जिसके चलते यहां पर इसको पार्ट बनाया जा रहा है, ताकि किसानों की इनकम को अच्छे लेवल पर हम लोग बढ़ा सके। अर्लियर अगर बात करें यहां पर 2161 करोड़ रुपए यहां पर इसको दिए गए थे 3 साल के लिए, 2017 से लेकर 2020 तक का, और ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, जिसको सिल्क समग्र का नाम इसको दिया गया। यानी कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फिर सेंट्रल स्पॉन्सरशिप है जो यहां पर सिल्क को हम लोग सपोर्ट करते हैं, तो यहां पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सारा पैसा सेंटर देता है, तो यहां पर ये जो स्कीम है इसका नाम है सिल्क समग्र। ठीक है, तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम कंट्री के अंदर सेरीकल्चर, यानी कि जो सिल्क की खेती की जाती है उसके बारे में बात की जा रही है, तो उससे रिलेटेड यहां पर ये चीजें देखने को मिली। बेसिकली फंडा क्या था यहां पर, जो किसान है हमारी कंट्री में उनको, देखिए नॉर्मल खेती तो वो कर ही रहे हैं, पर लेकिन कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन किया जा सके जिससे मेक इन इंडिया में, हमारी कंट्री में वर्ल्ड का जो विजन है एक तरीके से उसको चेंज करने की कोशिश की गई, हमारी कंट्री में किसानों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। तो सेंट्रल सिल्क बोर्ड जो है किसके अंडर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंडर में आता है, तो ये मत बोलना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल किसके अंडर में है, स्मृति ईरानी जी के अंडर में है, तो यहां पर इसके द्वारा इन चीजों पर फोकस देने की बात की गई। सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी यानी कि जो पार्लियामेंट में एक्ट को पास करके बनाई गई 1948-1948 में हमारी कंट्री में। और आज की डेट में अगर इसके बारे में आप लोग बात करते हैं, जो सेरीकल्चर है यहाँ पर, तो कई तरीके के आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो प्लांट यूज किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर मुलबेरी, इसी के साथ में आसन, यहाँ पर अर्जुना, ये कई सारे नाम है यहाँ पर सिल्क जो यूज किया जाता है, सोम, इसी के साथ में सौलू, ठीक है, केसरू, ठीक है, यहाँ पर है प्लांट PHANAT, ठीक है, तो प्लांट ETC, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कई सारे रटने नहीं है, बेसिकली हल्का सा आइडिया होना चाहिए, एक दो उदाहरण तो कम से कम पता होना चाहिए अगर आप लोग आंसर राइटिंग भी कहीं पर कर रहे हैं। तो ये प्लांटेशन की जा रही है इनकी, ताकि अच्छे लेवल पर हम लोग काम कर सकें। ठीक है, तो ये है। इसी के साथ में अगर बात करते हैं सेरी जो कल्चर बेस्ड हमारी कंट्री में थ्री जो बेसिकली जो सेरी कल्चर बेस्ड जो ट्री स्पीसीज है यहाँ पर, तो उनको भी यहां पर फोकस किया जा रहा है, ताकि एडिशनल इनकम किसानों की हम लोग जनरेट कर सकें, और हमारी किसानों की जो इनकम है 2022 तक डबल करनी है उसको हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर सकें। बाकी जो मिशन के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, इसको बोलते हैं यहां पर, ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसको बोलते हैं यहां पर सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। तो यहां पर ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉपरेशन एंड द फार्मर वेलफेयर जो है इसके द्वारा यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता है ये पर्टिकुलर मिशन। हमारी कंट्री में इंडिया के अंदर फर्स्ट कंट्री है जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेकर आएगी, जो वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री जो कांग्रेस हुई 2014 में उसके बाद में, तो ये याद रखिएगा जब हमारी कंट्री में वर्ल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री, तो यहां पर ये बेसिकली जो कांग्रेस हुई यानी कि एक संगठन हुआ उसके बाद में चलकर ये सारी चीजें सामने निकल कर आई, ताकि हमारी कंट्री में जो कई सारे जो ट्री हैं, खासकर मेडिसिनल जो प्लांट भी आज को देखने को मिलेंगे जिससे दवाइयां बनाई जाती हैं, तो उसको भी सपोर्ट किया जा सके। तो एम ये था फार्मर को एनकरेज किया जा सके, ताकि मल्टीपर्पज ट्री टुगेदर यहां पर मिलकर काम कर सके, लगाए जा सके, और क्लाइमेट रेजिलिएंट यानी कि क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए यहां पर काम किया जा सके। तो इसके चलते ये कई सारी चीजें देखने को मिली। तो लकड़ी होगा यानी कि एक तरीके से जो लकड़ियां हैं वो तो मिलेंगी। इसी के साथ में हर्बल इंडस्ट्री को भी आगे लेकर चला जाएगा, तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है,
तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी, हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पेंच। तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है उसमें रिसेंटली अभी एक फीमेल है जिसको मैन ईटर के नाम से जाना जाता है, कई सारे लोग उसने खा लिए, जो यहां पर ये टिग्रिस है जिसका नाम है अवनी। अवनी यानी कि फीमेल टाइगर है जिसको भी रिलीज किया गया है जो वाइल्ड लाइफ इन पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर में। इसको पकड़ लिया गया था क्योंकि कई सारे लोगों इसने खा दिया, तो तब से यहां पर ये कंट्रोल में थी। पर आदमखोर जो बागिनी है यहां पर जिसका नाम है अवनी, अब इसको महाराष्ट्र के जो पेंच टाइगर रिजर्व पीटीआर जिसको बोलते हैं उसके अंदर छोड़ दिया गया है। तो कहां पर लोकेटेड है, नागपुर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा महाराष्ट्र के अंदर में। इसके अंदर से एक रिवर फ्लो करती है, इसके जो बेसिकली मिडिल में से एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है पेंच, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए यहां पर। तो पेंच जो रिवर है वो इसी से फ्लो करती है। ये दो राज्यों के लिए काफी इंपोर्टेंट है, एक तो मध्य प्रदेश और दूसरा है महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश के अंदर यहां पर सेवनी और इसी के साथ में यहां पर यहां पर चंदवारा है जो बेसिकली मध्य प्रदेश के अंदर में, और नागपुर डिस्ट्रिक्ट यहां पर महाराष्ट्र के अंदर में जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दो राज्य के लिए इंपोर्टेंट है, एक तो है मध्य प्रदेश, यहां पर ये हो गया मध्य प्रदेश आप लोग देखते हैं, और नीचे हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओके। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। मध्य प्रदेश को बाउंड्री टच करती है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात हो गया, ठीक है, और इधर हो गया यहां पर महाराष्ट्र, यहां पर हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। तो याद रखिएगा झारखंड जो है वो मध्य प्रदेश को टच नहीं करता है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी महाराष्ट्र के बारे में अगर आप लोग बात करिएगा तो महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश टच करता है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये हो गया कर्नाटक, ये हो गया गोवा, और इसके साथ में इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा गुजरात। तो ये बाउंड्री जो है खासकर अगर इन किसी राज्य में से आप लोग बिलोंग करते हैं तो जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज की ओर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को समझना चाहिए हमारी कंट्री में पहले इलेक्शन कैसे होते थे और आज के डेट में कैसे होते हैं। सबसे पहले हमारी कंट्री में जो इलेक्शन होते थे वो बैलेट पेपर पर होते थे। इस तरीके से पर्टिकुलर जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जो सिंबल बने होते थे और उसके सामने आप लोगों को ठप्पा लगाना होता था, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को निशान लगाना होता था। तो ये पहले बैलेट पेपर पर यहां पर ये चीजें चलती थी, पर लेकिन आगे चलकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आप लोगों को बटन दबाना है सिंबल के सामने, जिस भी पर अब आप लोग वोट देना चाहते हैं। इसमें नोटा भी आया, नन ऑफ द अबो जिसको बोला गया, ठीक है, यानी कि ऊपर से जो भी यहां पर सारे मेंबर हैं कोई भी पसंद नहीं है, तो इसको बोला नन ऑफ द अबो, यानी कि नोटा की कैटेगरी में इसको रख दिया। ये कई सारे लोगों के द्वारा बोला गया कि नोटा में जब यहां पर कोई बटन आप लोग दबाते हैं तो इसमें घपलेबाजी भी तो हो सकती है। हो सकता है कि मशीन को इस तरीके से चेंज किया जाए कि कोई भी बटन दबाओ, वोट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जाओ, ऐसा भी तो चेंज इसके अंदर किया जा सकता है। तो उसके चलते यहां पर बोला गया कि एक वीवीपैट करके, ठीक है, तो यहां पर इसको बेसिकली वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल बोला गया, यानी कि वोटर अपने आप वेरीफाई करेगा और एक पेपर भी उसके सामने निकल कर आएगा, इसको ऑडिट करेगा थोड़ी सी देर के लिए, लगभग शायद 8 सेकंड के लिए आता है लगभग से, ठीक है। तो ये इसको यहां पर देखेगा, जिसके चलते यहां पर पता चलेगा कि हाँ भाई साहब जिसको वोट दिए उसी इंसान को पहुंची है। पर लेकिन यहां पर ये जो पॉलिटिकल न्यूज है ये थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है हमारी कंट्री में यहां पर परवूर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एर्नाकुलम केरला के अंदर में यहां पर ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1882 में। तो फर्स्ट टाइम कंट्री में यहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको आप लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बोलते हैं। तो ईवीएम इंट्रोड्यूस की गई यहां पर 50 पोल जो स्टेशन के अंदर में, यहां पर उस टाइम पर जो आज के में हमारे बीच में नहीं है, एसी जोशी कांग्रेस के थे और लेट जो एन सिवन पिल्लई यहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के थे, जिनके बीच में यहां पर इलेक्शन था। पर लेकिन कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो डिफीट हो गए। तो जब ये डिफीट हो गए यहां पर पिल्लई साहब, तो यहां पर ये सीधे पहुंच गए केरला हाईकोर्ट में। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के हिसाब से बोले तो कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन रूल 1961 के हिसाब से चले तो ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में पावर नहीं है कि ईवीएम को यूज कर सके। तो हाईकोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम लोग इलेक्शन को फिर से कंडक्ट नहीं कराएंगे। अब जो हो गया सो हो गया। तब ये यहां पे भी नहीं रुके, तो ये आगे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए 1984 के अंदर में। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि आप लोग फिर से री इलेक्शन करवाओ इन 5 सीट पर जहां पर ईवीएम यूज किया गया, क्योंकि पावर नहीं है आप लोगों के हाथ में ईवीएम यूज करने की। अगर पावर होगी तभी आप लोगों को यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जब यहां पर सेकेंड टाइम जब चीजें पहुंची तो उसमें जब इलेक्शन यहां पर निकल कर आए तो फिर यहां पर ये जीत गए। तो इसीलिए बोलते हैं कि आखिरी तक हार नहीं मानती है, अगर आप लोग लगे रहेंगे तो जीत आप ही की होगी। 1992 में पार्लियामेंट जो थी उसके द्वारा ये यहां पर सेक्शन 61A इंसर्ट किया गया यहां पर एक्ट के अंदर में, जिसके चलते यहां पर ईवीएम को वैलिडेट किया गया कि ईवीएम यूज कर सकते हैं आप लोग इलेक्शन के अंदर में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये 1998 में, ठीक है, 1998 में यहां पर ये बेसिकली इसको यूज करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहां पर ये टी जो था यहां का था वहां पहुंच गया, ठीक है। ईवीएम जो है यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है, और इसी के साथ में आज के डेट में वोटर वेरीफाइड
पेपर ऑडिट ट्रायल जिसको वीवीपैट आप लोग बोलते हैं, इनका यूज किया जाता है ताकि जो स्लिप आप लोगों को दिखे, नाम दिखे, सिंबल दिखे, सीरियल नंबर दिखे कैंडिडेट का, ताकि जिसको आप लोग वोट डाल रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर कई बार इसके बारे में बात की टॉप कोर्ट में कि रिपीटेडली कि वोटिंग मशीन को आप लोग हटा दो और अबोलिश करो ईवीएम को, ईवीएम यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब पहले ईवीएम यूज नहीं होती थी तो बूथ कैप्चरिंग होती थी, यानी कि कई सारे बूथ को कैप्चर कर लिया, उठा के सारी मोहर अपने आप लगा दी, तो ऐसी कई सारी हरकतें देखने को मिलती थी, तो कई सारे नुकसान होते थे कई बार सड़कों पर या फिर नदियों के अंदर भी, जो यहां पर ये डब्बे पड़े मिलते थे जहां पर वोट तैरती हुई नजर आती थी। तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये इंप्रूव वर्जन किया गया, तो इसके चलते यहां पर कई बार ये बोला गया कि इसको हटाना चाहिए, इसमें घपलेबाजी कर किसी और को वोट जा सकती है। तो वीवीपैट जो है वो इंश्योर करता है एक्यूरेसी और फेयरनेस जो यहां पर पार्टिसिपेट किया जाता है, 2013 से यहां पर ये इसको भी इंप्लीमेंट किया गया। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो यहां तक पेशेंस रखकर लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद। आइए अब यहां पर हम लोग बात करेंगे जो कुछ इंपॉर्टेंट जो रिव्यू देखेंगे, उसके बाद में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। जो रिवीजन भी करेंगे कल का उसको देख कर जाया कीजिए कंप्लीट। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से और जो तेलंगाना में चीजें हैं उसके बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो कि कन्नड़ पोएट थे, उनकी रिसेंटली डेथ हुई, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने जो बात की ये बात की गिरिमाथा जो मरीन जो बेसिकली सेंचुरी है उड़ीसा के अंदर, और यहाँ पर जो रेडली ओलिव टर्टल उनके बारे में जाना। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर जो यहाँ पर सिंगरोह जो फोर्ट है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। बेसिक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर, एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह भी आप लोगों ने देखी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की नेशनल न्यूज के बारे में, तो डिटेल में समझा हम लोगों ने कि यूके जो है अब यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहा है हमारी कंट्री के, जो उस टाइम पर लोगों के द्वारा उनको सपोर्ट किया गया। नेशनल न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर एयरबैग कार के अंदर होना चाहिए और क्या क्या चीजें उसके बारे में जाना। नेक्स्ट स्टेट के अंदर हम लोगों ने बात का वेल साग के बारे में, तो ये जो न्यूज थी इसके बारे में हम लोगों ने समझा। इकोनॉमी के अंदर हम लोगों ने एमएसएमई क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने जाना, जो कि एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। डिफेंस में हम लोगों ने यहाँ पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड और जो वुमेन्स डे है उससे रिलेटेड कुछ बातें जानी जो इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के अंदर हम लोगों ने सब मिशन ऑन एग्री जो फॉरेस्ट्री है उसके बारे में हम लोगों ने समझा डिटेल में, कहां कहां पर क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। एनवायरमेंट में हम लोगों ने यहां पर बात की पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में, तो जो अवनी वागिनी है उसको छोड़ दिया गया अभी इसके अंदर, तो ये सारी चीजें जानी। नेक्स्ट हम लोगों ने पॉलिटी के अंदर जो बात की ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वीवीपैट के बारे में हम लोगों ने बात की, तो ये टोटल डिटेल हो गई यहां पर। आइए अब आप लोगों के सामने है क्विज, ये आप लोगों को अटेम्प्ट करने। सबसे पहले कौन से राज्य के अंदर यहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्प जो बेसिकली डेस्क बनाई गई है ये आप लोगों को बताना है। कौन सी पर्सनैलिटी थी जिनके द्वारा विलियम शेक्सपियर की जो बेसिकली कविताएं थी उनको कन्नड़ में ट्रांसलेट किया। जो गिरिमाथा जो बीच है वो बंगाल के अंदर कौन से राज्य में देखने को मिलते हैं, ओलिव रेडली टर्टल आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। इंग्लैंड के द्वारा यहाँ पर अभी एक सिख फाइटर पायलट थे उनका नाम आप लोगों को बताना है, जिनको यहाँ पर जिनको यहाँ पर एक पर्टिकुलर पोर्ट सिटी है जिसको यहाँ पर इनकी पोर्ट सिटी के अंदर इनकी जो स्टेचू बनाने की बात की जा रही, जिसका नाम है साउथहैम्पटन, ठीक है। बाकी वर्ल्ड वॉर ये आप लोगों को बताना है कब से कब तक चली थी। फर्स्ट 10% के करीब हमारी कंट्री में एक्सीडेंट ऑल ओवर वर्ल्ड के होते हैं, किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, CIBIL क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड के द्वारा मिलकर एक मिनिस्ट्री के साथ में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स ये लॉन्च किया गया। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के बारे में बात की जा रही है, तो इनके द्वारा SCI का नाम आप लोग को बताना है। ये यहाँ पर अभी ऑल वुमेन क्रू जो था उसके द्वारा ये वेसल जो है ये चलाया गया। PTR कहां पर लोकेटेड है, कौन सी रिवर इसके बीच में से होकर गुजरती है, ठीक है, तो ये आप लोग को बताना है। आगे अगर बात करें तो वर्ल्ड किडनी डे जो है वो 11 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। वर्ल्ड किडनी डे स्टेयरिंग कमेटी के द्वारा कौन सा ईयर डिक्लेयर किया गया ये इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, जिसको लिविंग वेल विद किडनी डिजीज की बात की गई। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोग को बताना है। प्रेस रावल साहब जो है इसके हेड है आज के डेट में। इंडियन मर्चेंट के द्वारा यहां पर ये फिर से हो गया ईरान है यहां पर, ये बेसिकली ईरान में अभी जो कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर दिया क्योंकि ईरान के पास में इंडियन रुपी नहीं बची है, वो किस लिए, क्योंकि हम लोग इनसे तेल वगैरह कुछ नहीं खरीद रहे हैं तो उनके पास से पैसा कहां से आएगा, क्योंकि यूएसए ने सैंक्शन लगाए थे, तो आगे चलकर कैसे चीजों को लेकर चलना है वो समझा जाएगा। 2020 में ईरान के द्वारा अपनी जो रियाल थी उसको चेंज कर एक दूसरी करेंसी अपनाएगी। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा SFDR टेक्नोलॉजी के बारे में बात की। एक रिपोर्ट है प्रोटेक्टिंग वुमेन लाइवलीहुड इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक टेम्परेरी बेसिक इनकम दो बात की जा रही है, रोड ऑफ जेंडर इक्वलिटी, तो यहां पर टेम्परेरी बेसिक इनकम के बारे में बात की किसके लिए और किसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में बात की कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है ये आप लोगों को बताना है। तो आंसर देख लेते हैं, इसका स्कोर जरूर लिखा कीजिए, मुझे पता चलता रहता है कि कितनी सारी चीजें आप लोगों की याद है और कितनी आप लोग भूल गए, कभी भूला कभी याद किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर वर्ल्ड किडनी डे के बारे में बात करें तो 11 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर फॉर प्रिवेंट, यहां पर बात की है फ्रॉम प्रिवेंशन टू डिटेंशन, यानी कि प्रिवेंट भी करना है और जिनको हो गया उनको डिटेक्ट भी करना है। और इक्विटेबल एक्सेस होनी चाहिए केयर की, ऐसा नहीं कि किसी को इलाज मिल रहा है और किसी को नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड किडनी डे स्टेयरिंग जो कमेटी है यहां पर 2021 में यहां पर ये ईयर डिक्लेयर किया गया, तो लिविंग वेल विद किडनी, ये किडनी डिजीज, ठीक है, तो इसको बात की जा रही है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में यहां पर आते हैं। इसी के साथ में ईरान के मर्चेंट हमारी कंट्री से यहां पर अब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास में पैसा नहीं रहा तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। 2020 ईरान जो है यहां पर इनके द्वारा जो रियाल थी यहां पर टोमन करके यहां पर करेंसी इनके द्वारा अपनाई गई, उसको चेंज करके डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की सॉलिड फ्यूल डक्टेड ये रैमजेट जो टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने यहां पर बात की थी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा बोला गया एक रिपोर्ट के बारे में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रोटेक्टिंग वुमेन लाइवलीहुड इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक, तो आप लोगों से पूछा जाएगा कि टेम्परेरी बेसिक इनकम के बारे में किसने बात की, और ये डेवलपिंग कंट्री में बात की जा रही है महिलाओं के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया से रिलेटेड अगर कुछ भी चेंज किया जाता है तो, ठीक है। तो इतना टोटल आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आपने शानदार तरीके से इसको एंजॉय किया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा आप लोगों का द हिंदू न्यूज़पेपर का, सारी जो पीडीएफ है यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना जो टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाएगी। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।